जिन लोगों के पैर किसी भी कारण से कट गए हैं वह ऑपरेशन को 3 माह हो चुके हैं, ऐसे लोगों को आधुनिक तकनीक से निर्मित कृत्रिम पैर निःशुल्क लगाए जाएंगे। यह पैर लगाने के बाद लाभान्वित व्यक्ति चल सकता है, पैर मोड़ के या मुर्गी की पोजीशन में बैठ सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है व दौड़ भी सकता है, वह आत्मनिर्भर बन अपनी खुद की सिग्नेचर भी कर सकता है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि टू व्हीलर बाइक भी चला सकता है। रानी सती मंदिर गणेश नगर गोंदिया में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक यह कैंप आयोजित है। लाभार्थी व परिजन के रुकने व भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की गई है। सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है। महाराष्ट्र सरकार की योजना के द्वारा जिन्हें भी कृत्रिम पैर व हाथ नहीं लगाए गए उन लाभार्थियों को हरि कृष्णा फाउंडेशन बालोतरा त्राप्ति सेवा समिति गोंदिया महाराजा ट्रस्ट द्वारा कुल 7 लाभार्थियों को व्हील चेयर प्रदान करेंगे। सेवा समिति के माध्यम से जो हम आज यह कैंप लिया है इसके अंतर्गत हम लोग जरूरतमंद लोगों को जिनके पैर किसी कारण से कट गए हो, एक्सीडेंटल या और भी कई कारण होते हैं इलाज के चक्कर में और इन सब अव्यवस्थाओं के चलते पे जो पैरों से विकलांग हो गए जिनके हाथ वगैरह के अंदर में भी प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पे निःशुल्क सेवा प्रदान करते थे उन्हें हाथ और पैर कृत्रिम लगा करके। मैं सुनीता काबू नाम अग्रह ताप्ति सेवा समिति से, हम लोग ताप्ति सेवा समिति में हमारी बहुत सी सेवाएं हैं जिसके अंतर्गत पैर लगाना, हाथ लगाना, ऐसी महिलाएं जो बहुत गरीब है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हम उन्हें निःशुल्क साड़ियाँ बिल्कुल कोई पुरानी नहीं कुछ नहीं एकदम नहीं उन्हें देते हैं। और जिन बच्चियों की शादी है, मैं कानूराम अग्रवाल अध्यक्ष ताप्ति सेवा समिति गोंदिया, कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर हमने इस समिति का गठन किया है जिसके तहत जिन लोगों के हाथ और पैर किसी वजह से कट गए हैं उन लोगों को कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पैर उच्च क्वालिटी के निःशुल्क लगा के और उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अपने रोजमर्रा के सभी कार्य सफलतापूर्वक कर सके। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।